अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर आप ये बताइएगा कि हम फ़लस्तीन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? सर जी, ये सड़कों पे आके रैलियां निकालनी और यकजहती करनी, ये इसराइल को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। वो अपने काम पे लगा हुआ है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जाकर अक़वामे मुत्तहिदा में कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे बैठक लगी है, सलामती कौंसिल में बैठक लगी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। परसों इतवार, आज क्या दिन, बस दो तीन दिन गुजर गए हैं इस बात को भी ना। उस दो दिन क्या, एक एक मिनट में कितने कितने लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कितने कितने लोगों की अजमतें लूटी जा रही हैं। बच्चे जो उनसे हैं उनको माँ को खींच के लेके जा रहे हैं, बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं। कि हमें कहाँ से टीवी से ही नज़र आती है ना ये चीज़ें जी। तो मुझे बताएं ना कि हमारे अगर ये पाकिस्तान में ये चीज़, अगर ये इसराइल अगर इस तरह अपना बन गया, ज़्यादा अपना पावरफुल हो गया, रूस या अमेरिका उसका साथ कोई भी दे रहा है, भारत दे रहा है, तो कल ये मुसीबत हम पे भी आ सकती है। और जब हमारे यहाँ पे आएगी तो फिर उस वक्त क्या हाल होगा मुझे बताएं। और ये पाकिस्तान के अपना वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि ये अगर 52 मुल्क अगर इकट्ठे नहीं होंगे ना तो फ़लस्तीन भी नज़र नहीं आएगा। अल्लाह वो वक़्त कभी ना लाए, इंशाल्लाह फ़लस्तीन भी रहेगा, बैतुल मुक़द्दस भी इंशाल्लाह वहाँ पे रहेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी फरमाएंगे। और रमज़ान में देखें कि क्या हुआ था कि वो जनाब जी इबादत कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, लोग मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे हैं और जनाते वो अंदर आए, उन्होंने किस तरह गोलियाँ बरसाई हैं, किस तरह लोगों को शहीद किया, लोग किस तरह घबराए हैं। बाहर निकल के वो फिर वही कलमा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है फ़लस्तीन भाइयों के लिए? सर जी, वो अपनी तरफ से तो अपना कोशिश कर रहे हैं, स्पीच हो रही हैं, टीवी पे भी दिखा रहे हैं जी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो खड़े रहने से क्या होगा भाई मेरे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे यहाँ से, अपना जितनी अपना आपके इस्लामी मुल्क आपके साथ है, एक तैयार करें कि जनाब जी मिल के प्रोग्राम बनाएं कि उसके ऊपर अटैक करें। इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो जनाब जी वो अपना फ़लस्तीन के साथ तो यही कुछ होता रहेगा। वहाँ माएँ बहनों किस तरह शहीद होते रहेंगी, बच्चे शहीद होते रहेंगे, अपना लोग शहीद होते रहेंगे, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं वहाँ पर, क्या कुछ नहीं हो रहा। शुक्रिया मेहरबानी। इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मुबशर अब्बासी और उनके साथ जितने भी दोस्त आए उनको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टेज पे तशरीफ लाए, बिलखसूस फरीद रहमान साहब आप तशरीफ लाए, मैं बिला तखीर आपसे गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर हम फ़लस्तीन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? जी बेटे मैं बताता हूँ, फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए, अल मुस्लिम अमा के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किल में हैं वो ज़्यादातर हमारे लीडरों की वजह से मुश्किल। हमारे मुसलमान लीडर जो हैं इनके बच्चे, इनके अकाउंट, इनके बिजनेस उसके पास हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जब तक अपने बच्चे अपना बिजनेस वापस ना बुलाएं, ये उनके खिलाफ बात करेंगे, सिर्फ बात तक हद तक, लेकिन सटे नहीं लेंगे। मेरे 11 पोते हैं, 3-4 पोते हैं, बहू हैं, मेरी फैमिली पूरी 40 घर का फर्ज बनते हैं, बमाए भाई हम जाने को ये तैयार हैं, खून देने को तैयार हैं। जब तक खून नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पौधा हरा नहीं रहेगा। पौधे की कमज़ोरी पानी है, कश्मीर और फ़लस्तीन की कमज़ोरी खून है। जब तक हमारे लीडर सटेन नहीं लेंगे जिहाद का, अब वक्त आ गया है। कब तक जिहाद से छुपेंगे, कब तक छुपेंगे? मैं लीडर से पूछता हूँ, याखी अरब याखी, कब तक छुपेंगे, कब तक खामोश रहेंगे? लेशिंता मारो वर याखी, अल्लाह खली अल्लाह रहमदेन, सभी जिहाद। अरब मुल्क को अपील है, इनके अकाउंट अमेरिका में हैं, अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है, इनके अकाउंट बरतानिया में हैं, बरतानिया सपोर्ट करता है। इंडिया को, इसराइल को, ये सब को यूनाई अकवानी उद्यदा सपोर्ट कर रही है। हमारे लीडरों के बच्चे, हमारे लीडरों के अकाउंट, हमारे लीडरों के बिजनेस वहाँ हैं, इनके आयाशें के अड्डे वहाँ हैं, ये उनके आगे सटेन नहीं ले सकते। इसलिए बात बात में जलसे जलूसे में ये काम चला रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं अपील करता हूँ, अल्लाह के पास जाना है। अगर सब ने जाना है तो कसम है मदीने वाले की, जिसका लोगों ने कलमा पढ़ा है, आप पूरे यहूद के साथ बैकाट करें जब तक इसराइल को और इंडिया को लगाम नहीं देते। ठीक है, वरना ये बातों से फौज क्यों नहीं भेजते? एटमी किस लिए है? हमारे पाँव की जूती नहीं रहेगी, सिर की पटकी नहीं रहेगी, पैसा लग रहा है,
असले के ऊपर, असले किस लिए बनाया, कलाशी हमारे घर पे पड़ी है, बॉर्डर पे रोज बच्चे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं वजह? फिर ये एसएटबी को क्या करेंगे, जब सारे मरेंगे उस वक्त एसएटबी इस्तेमाल होगा? हमारी आर्मी कमज़ोर नहीं है, आर्मी की अजमत को सलाम। हमारे लीडर जियाँ परवेज मुशर्रफ जियाँ लीडर दुनिया से ना आए ना आएगा। मैं खुद खलीदार हूँ गन्ने का, गन्ना बिका 250 का, चीनी बिकी 26 रुपये की, अब गन्ना 150 रुपये कोई नहीं लेता, चीनी 100 रुपये, क्यों? हमारे लीडर कमज़ोर हैं, हमारे लीडर चोर हैं, चोर हैं। चीफ जस्टिस को अपील है कि जो जो लीडर दागी है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ना वो वोट लड़ सकेगा, ना वो बयानबाजी कर सकेगा, ना वो अदालत में जुलूस के साथ आएगा। अदालत में ऐसे जाते हैं चोर, पूरी मुसलमान उम्मा के यतीमे मस्कीने की दौलत लूटने वाले जैसे दूल्हा जा रहा हो, क्यों? जरदारी से अपना बीवी का कातिल नहीं मिला, बेनजीर से अपने भाई का कातिल नहीं मिला, और शहबाज शरीफ से छोटू गैंग का बदमाश नहीं पकड़ा। ये हुकूमत करेंगे, ये हुकूमत के हकदार हैं, मुझे बतलाएं हकदार हैं। इनके बच्चे वहाँ ये उनके खिलाफ बोलेंगे। खुदा के लिए अब वक्त आ गया है जिहाद से ना डरें। जिहाद एक कीमती चीज़ है, जिहाद एक इसासा है। सारे हजूर ने जिहाद किया, सारे अलसाबे ने जिहाद किया, सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान में जिहाद का जिक्र किया। जिहाद उस वक्त बातचीत होनी थी जब हमारे बच्चे उन्होंने नहीं मारे थे, हमारे बच्चे के वो खंडर बना दिए, हमारे यहाँ लाशा अभी तक कोई जायो हैं नहीं मिल रहे हैं। अभी भी ये कहते हैं जंग जायज नहीं है, अब जंग मांग रहा है, इंडिया भी जंग मांग रहा है, इसराइल भी जंग मांग रहा है। इसराइल और इंडिया ये दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। वो अरब मुल्क के लिए तैयार किया है अमेरिका ने ये, लेकिन मुसलमानों के पीछे ये दो मुल्क जो है इन्हें लगाए हुए हैं। लिहाजा मेहरबानी करके मुसलमान तमाम लीडरों को मेरी अपील है कि आप जिहाद का ऐलान करें, अल्लाह से जिहाद से ना छुपें। अल्लाह के हाँ जब जाएंगे, मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ, मैं आपके गिरबान में लपटा रहूँगा कि मैंने ये ऐलान किया था। मेरे यार हम पोते हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, बीवी बच्चे भी लड़ने को तैयार हैं, जिहाद का ऐलान करें। ये जिहाद से गुरेज कर गए थे, ये मुजरिम हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। वहाँ जवाब आप देंगे, आपकी मर्जी है, उधर जवाब देना है या ऐलान करना है। अब ऐलान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर हाशमी है और मैं ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, और आज स्पेशली हम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करने के लिए पेंशन का एक बहुत बड़ा हम एक वफद लेकर आए थे जो हमने यहाँ पर शिरकत की है। थैंक यू सर। हम फ़लस्तीन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, फ़लस्तीनी के लिए जो सबसे जो अहम बात है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए एक अजहार यकजहती करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल के एक शेर की तशरीह कुछ इस तरह है कि अगर काबुल में भी किसी मुसलमान को कांटा चुभे तो पूरी दुनिया में मुसलमान बेकरार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको ये एहसास दिलाना है, चाहे हम पाकिस्तान फ़लस्तीन से बहुत दूर है, चाहे मुसलमान किसी भी कोने में हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अपने आप को तन्हा मत समझें, तमाम मुसलमानों के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। और हम पाकिस्तान फ़लस्तीन भाइयों के लिए क्या कर रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती लेवल में तो सिर्फ ये मुजम्मतें हो रही हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक है, एक अखलाकी मॉरल लिहाज से, अखलाकी लिहाज से हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पूरी दुनिया में नज़र मारें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, कितना नारवा सलूक हो रहा है। कश्मीर देखें, लबनान देखें, यमन देखें, अरब की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर देखें, और फिर आप फ़लस्तीन में देखें कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों का जेनोसाइड किया जा रहा है, इनकी नस्ल कुशी की जा रही है और इनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और ये सुपर पावर्स जो हैं इनके एजेंडे पर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।